चलो स्टैटिक से स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने 9th क्लास में क्या पढ़ा था? तुम लोगों ने 9th क्लास में हिस्टोग्राम बनाना सीखा था, ग्राफ्स बनाने सीखे थे ना। अब हम लोगों को 10th क्लास में क्या करना है? सेंट्रल टेंडेंसी कैलकुलेट करनी है। अब सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है? जब मैं तुम लोगों को बहुत सारा डेटा दूंगी, जैसे मैंने तुम लोगों को एक एग्जांपल दिया था कि हमारे पास जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना एक क्लास में, हम उन सारे बच्चों के ना अलग अलग मार्क्स ले लेते हैं, ठीक है। अब बाहर से कोई आकर मुझसे ये पूछेगा कि आप ना एक आंसर में ये बताओ कि आपकी क्लास के मार्क्स कितने हैं, तो मेरी क्लास में कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके मार्क्स बहुत कम होंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके मार्क्स बहुत ज़्यादा होंगे, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिसके मार्क्स क्या होंगे, जिनके मार्क्स कुछ बीच में होंगे, एवरेजली होंगे, ठीक है। जैसे कि मान लो कि 50 मार्क्स का एक टेस्ट हुआ, कुछ बच्चों के मार्क्स थे 30, कुछ के थे 35, कुछ के थे 40, कुछ के थे 45, कुछ के थे 50, ठीक है, इस तरह से। अब मुझसे बाहर से कोई पर्सन आके ये कहता है कि आप अपने क्लास के मार्क्स बताओ, तो मैं क्या करूँगी, उन्हें बीच वाले मार्क्स बताऊँगी, ठीक है, कि मेरी क्लास के बच्चों के मार्क्स एवरेजली कितने हैं, 40 हैं। तो मैंने एक डिजिट में नंबर बता दिया 40, तो अब वो पर्सन समझ जाएगा कि कुछ बच्चों के मार्क्स 40 से कम होंगे और कुछ बच्चों के मार्क्स 40 से ज़्यादा होंगे, पर ज़्यादातर बच्चों के मार्क्स 40 के आसपास होंगे। समझ गए क्या मेरी बात? दैट इज़ योर सेंट्रल टेंडेंसी। हमें ये सीखना है कि आपके, ध्यान से सुनना, हमारी क्लास 10th के अंदर हमें सेंट्रल टेंडेंसी बस 3 तरीके से निकालनी सीखनी है, ठीक है। एक कौन सा तरीका है? मीन। कौन सा तरीका है? एक तरीका कौन सा है? मोड। और तीसरा तरीका कौन सा है? मीडियन, ठीक है। आपको मीन, मोड, मीडियन इस चैप्टर में निकालना सीखना है। और तुम्हें पता है ये चैप्टर आपका मार्क्स स्कोरिंग वाला चैप्टर है, पक्का। बोर्ड में ना यही चैप्टर है जो आपको मार्क्स स्कोर कराता है, क्योंकि इस चैप्टर से कोई भी घुमा फिरा के क्वेश्चन दिया ही नहीं जा सकता। बस एक टेबल सी दी होती है और उस टेबल में से क्वेश्चन काहे दिया जाता है कि मीन निकाल दो, मोड निकाल दो और मीडियन निकाल दो। अब बस तुम लोगों को फॉर्मूले याद करने हैं, वैल्यू पुट करनी है, सॉल्व करना है, आ गया, ठीक है ना। तो यानी कि इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ है ही नहीं कि आप वहाँ जाके कंफ्यूज हो जाओगे। बस आप लोगों को अपनी कैलकुलेशन पे ध्यान देना है, प्लस मल्टीप्लाई, इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है। बाकी ये चैप्टर है मार्क्स स्कोरिंग, ठीक है। इससे क्वेश्चन हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है और शॉर्ट टाइप 2 में पूछा जाता है, तो शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है। समझ गए ना मेरी बात? तो ये चैप्टर मार्क्स स्कोरिंग है, इसलिए बहुत अच्छे से ध्यान देना, बस फॉर्मूले याद करने हैं, चैप्टर हो जाएगा। तो पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ, हम लोग पहले मीन निकालना सीखेंगे। क्या निकालना सीखेंगे? अब देखो, 9th क्लास में भी आपने मीन निकालना सीखा था, पर वो आप लोगों ने सीखा था अनग्रुप डेटा के लिए। हमारे पास दो तरह के डेटा होते हैं। डेटा मतलब जो भी आपकी इंफॉर्मेशन होंगी वो दो तरीके से होती है। एक तो होती है मेरे पास ग्रुप डेटा, ठीक है, एक होता है हमारे पास अनग्रुप। आप लोगों ने अनग्रुप डेटा का मीन कैलकुलेट करना सीखा था क्लास 9th में। अब अनग्रुप डेटा मतलब जब मैं आपको सिर्फ नंबर दे रही हूँ, जैसे मेरी क्लास है, अब मैं आपसे कह रही हूँ मैं अपने बच्चों के मार्क्स लिख रही हूँ, ठीक है। मैंने एक टेस्ट लिया और उस टेस्ट में जो बच्चों के मार्क्स थे ना वो मैं राइट डाउन कर देती हूँ, 30, 31, 35, 38, 40। तो ये मैंने क्या लिखे हैं? मार्क्स लिखे हैं। तो इस डेटा को हम अनग्रुप डेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? इसमें खाली एक्स की वैल्यू गिवन होती है। किसकी वैल्यू गिवन होती है? अब ग्रुप डेटा क्या होता है? ग्रुप डेटा में ना ज़्यादा बच्चे आ गए, ठीक है। अब मान लो हमारी क्लास में 100 बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं? अब मैं 100 बच्चों के मार्क्स लिखने बैठूंगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तब हमने उसे ग्रुप डेटा में कन्वर्ट कर दिया। किस में कन्वर्ट कर दिया? तो ग्रुप डेटा में हमारे पास एक्स भी होता है और एफ भी होता है, ठीक है ना। एक्स क्या है? जैसे मार्क्स। एक्स क्या है? जैसे कुछ बच्चों के मार्क्स 30 हैं, कुछ के मार्क्स 35 हैं, कुछ के 40 हैं, कुछ के 45 है और कुछ के 50। अब ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितने बच्चों के मार्क्स 30 हैं। तो मान लो 5 बच्चों के मार्क्स 30 हैं, मान लो 6 बच्चों के मार्क्स 35 है, मान लो 10 बच्चों के मार्क्स 40 है, 12 बच्चों के मार्क्स 45 है एंड 15 बच्चों के मार्क्स 50 है। तो ये कौन सा हो गया? ये हो गया मेरे पास ग्रुप डेटा, समझ गए। तो अब 10th क्लास में आपको इसका मीन, इसका मोड और इसका मीडियन कैलकुलेट करना सीखना है, समझ गए। इसे हम डिस्क्रीट सीरीज भी कहते हैं। कौन सा सीरीज कहते हैं? डिस्क्रीट सीरीज, जिसके अंदर आपको एक्स और एफ गिवन होता है, ठीक है।
अब मान लो हमारी क्लास में मार्क्स ऐसे आ रहे थे, किसी के मार्क्स 32, ठीक है, किसी के मार्क्स 35, 42, 43, 45, तो इस तरह से मार्क्स आ रहे हैं और क्लास में 100 बच्चे हैं। तो मेरे पास एक और तरीका है उनके मार्क्स को रिप्रेजेंट करने का कि मैं इस तरह से लिखूं, कुछ बच्चों के मार्क्स 0 से 10 के बीच में थे, ठीक है, कुछ बच्चों के मार्क्स 10 से 20 के बीच में है, कुछ बच्चों के मार्क्स 20 से 30 के बीच में है, कुछ बच्चों के मार्क्स 30 से 40 के बीच में है और कुछ बच्चों के मार्क्स 40 से, समझ गए ना। तो ये मेरा हो जाएगा क्लास इंटरवल और इस क्लास इंटरवल से ही हम अपना एक्स फाइंड करते हैं, ठीक है। और नीचे क्या दिया होगा आपकी फ्रिक्वेंसी, दैट इज नंबर ऑफ स्टूडेंट, कि कितने बच्चों के मार्क्स इनके बीच में आए। मान लो 2 बच्चे थे जिनके मार्क्स 0 से 10 के बीच में थे, ठीक है ना। यहाँ पे मान लो 5 बच्चे थे जिनके मार्क्स 10 से 20 के बीच में थे। अब 10 से 20 के बीच में कुछ भी हो सकता है, 11 मार्क्स 12 मार्क्स 13 मार्क्स, समझ गए ना मेरी बात को, ठीक है। एक और पॉइंट ध्यान रखना, इस 10 से 20 का मतलब है कि जिस बच्चे के मार्क्स 10 आए होंगे ना वो भी यहाँ कैलकुलेट किए जाएंगे, पर जिस बच्चे के मार्क्स 20 है वो यहाँ नहीं जुड़ेगा, वो यहाँ पे जुड़ेगा। समझ आ गई कि मेरी बात। अगर मैं बोल रही हूँ कि मेरी क्लास में एक स्टूडेंट है जिसके 10 नंबर आए हैं और एक स्टूडेंट है जिसके नंबर 20 आए हैं, तो 10 वाला स्टूडेंट इस वाली क्लास में आएगा, ठीक है, पर जिस बच्चे के मार्क्स 20 आए हैं ना वो इसमें नहीं आएगा, वो इसे नेक्स्ट यहाँ पर आएगा। हाँ, दैट मीन्स 0 से 9 के बीच वाला यहाँ पर आएगा, 10 से 19 वाले यहाँ कैलकुलेट किए जाएंगे। हाँ, उसका एक रीज़न है, वो हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है, अभी मैं समझाऊंगी जब हम लोग निकालेंगे। पर अब मेरे को आपको ये बताना था कि मेरे पास डेटा 2 तरीके का होता है, एक अनग्रुप डेटा और एक ग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा में खाली x की वैल्यू गिवन होती है और इसका मीन निकालना, इसका मोड निकालना और इसका मीडियन निकालना हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा था, तो वो अब हमारे क्लास 10th में नहीं है। हमारी क्लास 10th के अंदर है ग्रुप डेटा का मीन मोड मीडियन कैलकुलेट करना। इसके अंदर हमारे पास 2 तरह के सीरीज होते हैं, एक डिस्क्रीट सीरीज होती है जिसके अंदर एक्स और एफ गिवन होगा, ठीक है, और एक आपके पास कॉन्टिन्यूस सीरीज होती है, इसे हम कॉन्टिन्यूस सीरीज कहते हैं, जिसके अंदर क्लास इंटरवल और फ्रिक्वेंसी गिवन होती है। तो अब आपको 2 तरह की सीरीज के लिए मीन निकालना सीखना है, एक डिस्क्रीट सीरीज और एक कॉन्टिन्यूस सीरीज, ठीक है। तो पहले हम डिस्क्रीट सीरीज के लिए काम करेंगे, पहले आप इसका मीन निकालना सीखोगे, तो स्टार्ट करते हैं मीन कैलकुलेट करना, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनो, हमारे सिलेबस में मीन भी 3 तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। हमें मीन भी कितने तरीके से कैलकुलेट करना है, एक डायरेक्ट मेथड, ठीक है, एक शॉर्टकट मेथड और एक स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक। तो सबसे हाँ स्टेप डेविएशन, ठीक है। अब हम सबसे पहले कौन सा मेथड सीखेंगे, डायरेक्ट मेथड, ठीक है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे, ये सबसे इजी मेथड है डायरेक्ट मेथड, ठीक। पहले तो मेरी बात ध्यान से सुनो, डायरेक्ट मेथड हम कहाँ पर यूज करेंगे। आप लोग डायरेक्ट मेथड सिर्फ वहां पर यूज करना जहां पर आपकी कैलकुलेशन छोटी छोटी हो, ठीक है, आपकी एक्स की वैल्यू छोटी छोटी गिवन हो, फ्रिक्वेंसी की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी ना हो, तब आप लोग डायरेक्ट मेथड को यूज करना। पर जब एक्स की वैल्यू बहुत बड़ी दी होगी ना, तब इसे मेथड को यूज मत करना, तब इस मेथड में बहुत प्रॉब्लम होने लगेगी कैलकुलेशन करने में। तो ध्यान से सुनते जाओ, डायरेक्ट मेथड यूज करना जब कैलकुलेशन इजी हो, छोटे छोटे नंबर्स दिए हो। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें हमें अननोन फ्रिक्वेंसी निकालनी होती है, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें हमें मिसिंग फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी होती है, और ये बोर्ड में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बोर्ड में मिसिंग फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करने के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तब भी आप डायरेक्ट मेथड ही यूज करोगे। और तीसरा, जब क्वेश्चन में मेंशन हो कि मीन डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट करो, तो आपको ये यूज करना ही पड़ेगा, समझ गए। तो जब छोटा कैलकुलेशन हो या मिसिंग फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी हो या क्वेश्चन में खुद ही मेंशन है कि डायरेक्ट मेथड यूज करो, तो इसे यूज करना। अब आप लोगों ने 9th में मीन निकाला सीखा था, तो बताओ मीन का सिंबल क्या है, एक्स बार, सही है ना, एक्स बार क्या है मीन का सिंबल। अब कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपको यहाँ पे एक्स दिया होगा और एफ दिया होगा, सही है, हम लोग डिस्क्रीट सीरीज देख रहे हैं ना, तो डिस्क्रीट सीरीज के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेती हूँ, 2, 4, 6, 8, 10, 3, 1, 5, 2, 2, सही। अब देखो यहाँ पे क्या गिवन है, एक्स, और क्या गिवन है, एफ,
तो हम कैसे मीन कैलकुलेट करते हैं? पहले हम एक्स और एफ की मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है? अपने डेटा की मल्टीप्लाई किससे करेंगे? फ्रिक्वेंसी से। कैसे? मैं यहाँ पर टेबल बनाती हूँ। जब भी आपको क्वेश्चन दिया होगा तो उसके बाद आप टेबल फॉर्म कर लेना। 2, 4, 6, 8, 10 फ्रिक्वेंसी गिवन है 3, 1, 5, 2, 2 अब हम क्या करेंगे इनकी मल्टीप्लाई, क्या करेंगे इनकी? करें मल्टीप्लाई। कहा था ना मैंने x की मल्टीप्लाई f से करनी है। 3 2 6, 4 1 4, 6 5 30, 8 2 60, 20 कर लिया मल्टीप्लाई। अब हमें क्या करना होता है? अब हमें इनका टोटल निकालना होता है। क्या निकालना होता है? यानी हम इन सबको क्या करेंगे? ऐड करेंगे। किसे ऐड करेंगे? एक तो फ्रिक्वेंसी को ऐड करोगे और एक एक्स एफ को ऐड करोगे, ठीक है? तो मैथ्स में ऐड करने के लिए हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं? समेशन, ठीक है ना? क्या है? समेशन। तो समेशन ऑफ एक्स एफ यानी एक्स की मल्टीप्लाई एफ से करो जो हम लोगों ने कर ली, और फिर इन सबको क्या कर दो? ऐड कर दो। तो ऐड कर दो जरा, 6 + 4 10, 10 + 30 40, 40 + 20 60 और इट बिकम 76। तो इन सब का एडिशन कितना आ गया? समझ आ गया क्या? ठीक है। और डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी जो भी फ्रीक्वेंसी दी है उन सब के सम को क्या कर दो? डिवाइड। तो फ्रीक्वेंसी क्या है? देखो, 3 + 1 4, 4 + 2 6, 8, 8 + 5 सही है क्या? तो अगर मुझे इसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला समेशन ऑफ एक्स एफ अपॉन समेशन ऑफ एफ। तो इन सब का सम मैंने कितना निकाला था? 76। फ्रीक्वेंसी का सम कितना है? 13। डिवाइड कर देंगे, आपको आपका मीन मिल जाएगा। समझ आ गया? तो डिस्क्रीट सीरीज का फ्रीक्वेंसी बाय डायरेक्ट मेथड कैलकुलेट करने का ये रहा फॉर्मूला। इतना आसान, बस एक्स की मल्टीप्लाई एफ से करनी है, उन सबको ऐड करना है, फिर सारी फ्रीक्वेंसी को ऐड करना है, इन दोनों को डिवाइड कर दो, आ गया आंसर। समझ आ गया? चलो तो मैं एक और क्वेश्चन लिख रही हूँ, जल्दी से मुझे मीन कैलकुलेट करके दोगे बाय डायरेक्ट मेथड। बाय डायरेक्ट मेथड चलो लिखो। x की वैल्यू है 4, x की वैल्यू है 4, 6, 9, 10, 15 एंड फ्रीक्वेंसी गिवन है 5, 10, 10, 5, 10, 10, 7, 8 आपको मीन कैलकुलेट करना है। ओके, क्वेश्चन है फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। इस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीन कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड। चलो, जिनका नहीं आया वो एक बार देख लो। x की वैल्यू है 4, 6, 9, 10, 15 फ्रीक्वेंसी है 5, 10, 10, 7, 8 तो सबसे पहले हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे? एक्स एफ। 4, 5 = 60, 9 × 10 = 90, 10 × 7 = 70 और 1 = 1 अब हमें क्या करना है? टोटल। तो बताओ इन सब का सम कितना आ रहा था? 15, 20, 30, 40 इन सब का सम कितना आ रहा है? 80। डन। 50, 120 को इसमें ऐड करूंगी 200, 350 नहीं 360, मैंने कहीं एडिशन में गड़बड़ कर दी, 360। तो आपका जो मीन है उसका फॉर्मूला क्या है? समेशन एक्स एफ अपॉन समेशन एफ, इट बिकम 360। हाँ बोलो। हाँ, पहले फॉर्मूला लिखना है, मैं इसका रीजन देती हूँ। बाय चांस ऐसा हो कि तुमने इसके एडिशन गलत कर दिया, जैसे मेरा हुआ अभी, 360 था 350 आ रहा था, ठीक है? अब बोर्ड में क्या होगा? स्टेप मार्किंग होती है। तो अगर तुमने फॉर्मूला लिखा है ना तो वो यहाँ पर तुम्हें मार्क्स दे देंगे। तुमने फॉर्मूला ही नहीं लिखा और तुमने वैल्यू गलत पुट करके सॉल्व कर दिया तो वो मार्क्स भी नहीं दे पाएंगे, ठीक है? तो इसलिए तुम्हें ये फॉर्मूला लिखना है कि अगर कैलकुलेशन नीचे बाई चांस मिस्टेक हो भी जाए तो एटलीस्ट इस पर कुछ तो मार्क्स मिल जाए, जीरो से कुछ तो बेटर होता है ना, इसलिए फॉर्मूला जरूर लिखना। तो मीन इक्वल्स टू 360/40 कैंसिल हो जाएगा, तो मीन की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 9। आ गया समझ में? तो ये तो बहुत ही सिंपल था मीन कैलकुलेट करना, जब आपको एक्स गिवन हो और जब आपको एफ गिवन हो, सही है ना?
तो सिंपल मल्टीप्लाई करो, ऐड करो, डिवाइड कर दो, खत्म काम। अब होता है वो क्वेश्चन जिसमें हमें कोई एक अननोन वैल्यू को फाइंड करना होता है। ज़्यादातर तो वो अननोन वैल्यू फ्रिक्वेंसी में होती है, पर कभी कभी अननोन वैल्यू एक्स में भी होती है। जैसे मैं क्वेश्चन नोट करा रही हूँ, वो क्वेश्चन नोट करो, फिर तुम लोग मेरी बात को समझोगे। क्वेश्चन लिखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 6, इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 6। एंड आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है वो ये है, x की वैल्यू है 2, 4, 6, 10, 2, 4, 6, 10, p plus 5। एंड हमें फ्रिक्वेंसी गिवन है 3, 2, 3, 1, 3, 2, 3, 1, 2, ठीक है। ये मुझे क्वेश्चन गिवन है, एंड क्वेश्चन में आपको मीन भी गिवन था, राइट? आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चन में मीन कितना दिया था? तो मुझसे क्वेश्चन में कहा है इस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन 6 है और आपको इस पी की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन हमारे बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है जब आप लोगों से अननोन फ्रिक्वेंसी पूछी जाती है। तो यही मैंने कहा था कि जब हमारे क्वेश्चन में इस तरह की अननोन वैल्यू पूछी जाएगी ना, तब भी आप लोग डायरेक्ट मेथड यूज करोगे, तब आप कोई अदर मेथड यूज नहीं करोगे। समझ आ गया ना? अब जल्दी से पी की वैल्यू कैलकुलेट करो बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड। तो उसके लिए सबसे पहले आप लोग क्या बनाओगे टेबल, 2, 4, 6, 10 पी प्लस 5, देन 3, 2, 3, 1, 2। अब हमें क्या करना है, एक्स एफ कैलकुलेट करना है, ठीक है। बताते जाओ क्या आएगा एक्स एफ, 3 2 जा 4 2 जा 6 3 18, 10 into 1। अब बताओ क्या आएगा, 2p plus 10। ऐसे 2 की मल्टीप्लाई को p plus 5 में करना है, दैट मीन्स 2 की मल्टीप्लाई p से होगी तो 2p, और 2 की मल्टीप्लाई 5 से भी होगी तो 10, तो 2p plus 10। समझ गए ना? कोई दिक्कत है क्या? अब आप लोगों को क्या कैलकुलेट करना है, तुम्हें सम कैलकुलेट करना है, सबका एडिशन करना है, राइट? तो 3 plus 2 5, 5 plus 1 6, 6 plus 2 8, और 8 plus 3 कितना रहे, 11। एक बार तुम लोग भी चेक कर लेना एडिशन, ठीक है। 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है, 11 हो गया। अब क्या करना है, इन सब को ऐड करना है। इन सब को कैसे ऐड करोगे, जहाँ पर अननोन वैल्यू आ रही है ना पी, उसको तो छोड़ दो, बाकी सबको पहले ऐड कर लो। तो कितना आएगा, 6 plus 8 कितना रहे, इन सबको 40। चलो इन सबको ऐड करके कितना रहे, 42। अब इस 42 में ये भी ऐड करना है, तो 42 plus 2p plus 10, तो 42 plus 10 कितना हो जाएगा, 52 plus 2p। तो यहाँ पे कितना हम लिख देंगे, 52 plus 2p। आ गई ना बात समझ में? पहले सारे नंबर्स को ऐड कर लो, फिर इसको बाद में अलग से ऐड कर लेना। डाउट है क्या? 2p कैसे ऐड हो जाएगा, ये तो एक अननोन वैल्यू है ना, इस अननोन वैल्यू को कांस्टेंट टर्म के साथ कैसे ऐड कर सकते हैं? अगर मैं आपसे बोलूं x plus 5, तो आप 5 को x में थोड़ी ऐड कर सकते हो। समझ गए ना? ये एक वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, तो वेरिएबल को कांस्टेंट में कैसे ऐड किया जा सकता है, ठीक है ना। अब मुझे क्या लिखना है, मीन का फॉर्मूला। मीन का फॉर्मूला x bar equals to sigma xf upon sigma f, सही है क्या? अब इस क्वेश्चन में मैंने ऑलरेडी तुम लोगों को मीन दिया था ना, तो अब आप लोग उस मीन को यूज करोगे, सही है ना। जब भी आपको एक अननोन वैल्यू फाइंड करनी होगी ना, तो 100% आपको क्वेश्चन में मीन दिया होगा। जब भी हमें अननोन वैल्यू फाइंड करनी होगी, तब आप उस मीन को यूज करोगे। तो मीन 6 है, तो इसकी जगह पे कितना पुट करूंगी मैं, 6। इसकी वैल्यू मैंने अभी कैलकुलेट की थी, कितनी, 52 plus 2p अपॉन फ्रिक्वेंसी का सम कितना था, 11, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, राइट? तो जल्दी से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो,
सिक्स की 11 से मल्टीप्लाई होगी तो 66, 1 की किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वही टर्म वापस मिल जाती है, डन। अब इस 52 को इधर माइनस में ले आओ, 66 माइनस 52 इक्वल्स टू 2p, कितना आ जाएगा? 14 इक्वल्स टू 2p, कट कर दो तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7। तो इस अननोन वैल्यू p की कितनी वैल्यू आ गई? 7। आ गया समझ में? तो अभी हम लोगों ने वो क्वेश्चन सॉल्व किया जिसमें x में एक अननोन वैल्यू थी। अब एक ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें फ्रीक्वेंसी में एक अननोन वैल्यू होगी, ठीक है? तो क्वेश्चन इरेज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करते हैं। समझ आ रहा है ना? ये वो क्वेश्चन हैं जो डायरेक्ट मेथड पे पूछे जाते हैं, एंड जब भी अननोन वैल्यू दी होगी तो आप लोग डायरेक्ट मेथड ही यूज करोगे। चलो क्वेश्चन लिखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ p, फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 7.5, इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 7.5। x की वैल्यू दी है 3, 5, 7, 9, 11, 13, एंड हमें फ्रीक्वेंसी f गिवन है 6, 8, 15 p, 6, 8, 15 p, 8, 4, 8, 4, ठीक है? तो ये आप लोगों को क्वेश्चन गिवन है और आप लोगों को p की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो अगेन यहाँ पर हमें एक अननोन वैल्यू को फाइंड करना है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी, तो कौन सा मेथड यूज करना है? डायरेक्ट मेथड, जिसके लिए आपको क्या बनाना है? टेबल बना दो, टेबल जल्दी से, जल्दी से टेबल बनाओ। तुम लोग कैलकुलेट करोगे, मैं राइट डाउन करूंगी। पहले x की वैल्यू नोट कर लेंगे, देन आप लोग फ्रीक्वेंसी राइट कर लोगे, 6, 8, 15, p, 8, 4, हो गया सबका? फ्रीक्वेंसी बन गई, राइट। 3, 6, 18, 5, 8, 40, ठीक है? बन गया ना टेबल? जल्दी से बता दो वैल्यूज क्या रही हैं। 105, 9p, 9 की p से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9p, इसका कितना आ जाएगा? 88 और 52। अब इन सबको हमें क्या करना है? ऐड करना है, ठीक है? तब इन सबको ऐड कर दोगे, लेकिन p को ऐड नहीं करोगे, p अननोन वैल्यू है, ठीक है? हाँ बताओ कितनी आ रही है? 303 + 9p। चलो इन सबको ऐड करते हैं, 8 + 4 = 12, ठीक है? 14, तो 14 + 12 कितना हो जाएगा? 26, 26 + 15 it becomes 41 + p, ठीक है? मैंने पहले सबको ऐड कर दिया, ये सबको ऐड कर दिया, बस मेरे पास p छोड़ दिया और उस p को लास्ट में हमने ऐड में लिख दिया, ठीक है? सारे नंबर्स को ऐड कर लेना, बाद में प्लस p लिख देना। सेम जब आप लोग एक्सेस को करोगे तब भी 9p को छोड़ देना, बाकी सबको ऐड कर देना, ठीक है? 18 + 40 + 105 + 88 + 52 सबको ऐड करना बट 9p को छोड़ देना। तो जब आप लोग इसे ऐड करोगे इट बिकम 303 + 9p, क्लियर है? टेबल बन गई। अब क्या करेंगे? मीन का फॉर्मूला राइट कर देंगे। तो मीन का फॉर्मूला क्या था? सिग्मा बार इक्वल्स टू सिग्मा xf, सॉरी x बार, मीन इक्वल्स टू सिग्मा xf अपॉन सिग्मा f। मीन हमें क्वेश्चन में गिवन था 7.5, तो यहाँ पे मैंने 7.5 राइट कर दिया। अब इन सबको ऐड करके हमारा आ रहा था 303 + 9p अपॉन, इन सबको ऐड करके आ रहा था आपका 41 + p। डाउट है क्या किसी को? अब आप इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, या तो यहाँ पर डेसिमल हटाओ, नीचे 10 लगा दो, या फिर आप लोग इसे डायरेक्ट 7.5 से सॉल्व कर लो, 7.5 की मल्टीप्लाई इससे कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है?
अब जो तुम लोगों को बेटर लगता है वो बता दो। डेसिमल हटाऊं या सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई? चलो तो डेसिमल को हटा दो, इधर आ जाएगा 10। 5 से कट कर लेते हैं, 5 टू ज़ा 5, 1 ज़ा 5 एंड 5 5 ज़ा 25। ठीक है, कर दें क्रॉस मल्टीप्लाई। 15 ब्रैकेट में 41 प्लस पी, सही है ना? इस 15 की इससे मल्टीप्लाई होगी तो 15 ब्रैकेट में 41 प्लस पी इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट के अंदर 303 प्लस 9p। कोई दिक्कत है क्या? डाउट? पक्का? ब्रैकेट ओपन करो, क्वेश्चन सॉल्व। 15 इंटू 41 1055 प्लस 15 के p से मल्टीप्लाई करेंगे 15p 606 प्लस 18p। ठीक है, p कैलकुलेट करना है ना, तो सारे p वालों को एक तरफ लेकर आ जाएंगे, बाकी सारे नंबर को एक तरफ लेकर आ जाएंगे। तो मैं 606 को इधर ले आती हूँ, 1025 ये प्लस में है, इस साइड आकर किस में हो जाएगा? माइनस में। 606 इक्वल्स टू में 18p इधर ही रहने देंगे और आपका ये जो 15p है ये आपका राइट हैंड साइड आ जाएगा, तो माइनस 15p। ठीक है ना? अब आपको क्या करना है, 1025 में से 606 को माइनस करना है, कितना आएगा? 419 इक्वल्स टू 18p में से 15p को माइनस करोगे तो 3p, तो p की वैल्यू 419 अपॉन 3, 18p माइनस 15p, 15 था ना? ठीक है ना, आप इसे डिवाइड कर देते हैं, 3 1 3, 3 3 9, 3 9 27 पॉइंट, 3 6 18, तो p की वैल्यू आ जाएगी 139.6। आ गई हमारी p की वैल्यू जो कि गलत आ रही है। अब 303 प्लस क्या गड़बड़ हुई? हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो जी, करें कैलकुलेशन। 41 इंटू 15 615, ठीक है? 15 की मल्टीप्लाई 41 में की तो कितना आया? 615। 15 की मल्टीप्लाई p से करेंगे तो 15p। 2 की मल्टीप्लाई 303 से 606, 2 9 18p। ठीक है, अब मुझे p को कैलकुलेट करना है, तो p वाले सारे राइट हैंड साइड, बाकी सारी टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड। तो इसको इसमें से माइनस करना है, तो इसे मैं इधर ले आती हूँ, 615 प्लस में इस साइड आकर माइनस में हो जाएगा इक्वल्स टू 18p प्लस में है, उधर जाके माइनस में हो जाएगा। ठीक है ना, सॉरी 606 कितना आएगा माइनस करके? 9। तो 9 इक्वल्स टू 18p में से 15p को माइनस करूंगी, 3p कैंसिल हो जाएगा, तो p की वैल्यू कितनी आ गई? सही है, कोई दिक्कत है क्या? तो इस तरह से आप लोग अननोन फ्रिक्वेंसी को भी फाइंड कर लोगे। समझ आ गया? अब एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे जो मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जब आपके स्कूल वालों को हार्ड पेपर बनाना होगा ना हाफ फीली के लिए, तो वो इस क्वेश्चन का यूज़ करते हैं। अब जो मैं क्वेश्चन बोलूँगी उसमें दो दो फ्रिक्वेंसी अननोन होंगी, दो फ्रिक्वेंसी मिसिंग होगी। ठीक है, अब लिखो क्वेश्चन, फाइंड द मिसिंग फ्रिक्वेंसी इन द फॉलोइंग फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फाइंड द मिसिंग फ्रिक्वेंसी इन द फॉलोइंग frequency distribution, missing frequency in the following frequency distribution. हाँ जी, if it is known that mean of the distribution is 1.46, mean of the following distribution is 1.46. question के अंदर आपको mean given है and x है 0 1 2 3 4 5, x है
जीरो वन टू थ्री फोर फाइव, ठीक है? एंड आपकी फ्रिक्वेंसी गिवन है 46, 46 क्वेश्चन मार्क, 25, 10, 5, 46 क्वेश्चन, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 46 क्वेश्चन मार्क, 25, 10, 5, ठीक है? एंड हमें टोटल गिवन है, यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन में मेंशन है टोटल 200 है। चलो पहले क्वेश्चन नोट कर लिया। हाँ यही तो, यहाँ पर टोटल 200 है, दैट मींस जितनी भी फ्रीक्वेंसी है ना उन सब का सम कितना गिवन है 200। तो अब ध्यान से सुनो, जब आप लोगों की एक ही मिसिंग फ्रीक्वेंसी होती है ना तब आप लोगों को सिर्फ मीन दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा? लेकिन जब क्वेश्चन के अंदर दो दो अननोन फ्रीक्वेंसी होंगी तब आप लोगों को सारी फ्रीक्वेंसी का सम भी गिवन होगा और मीन भी गिवन होगा। समझ गए मेरी बात? अब इस क्वेश्चन मार्क की जगह अज्यूम कर लेते हैं, इस फ्रीक्वेंसी को मान लो x और इसे क्या मान लो y। मैं तो ऐसे कर दिया, 1x आ गया 43। ऐसे थोड़ी आ जाएगा, ऐसे कैसे आ गया? 2x equals to 86। ये दोनों इक्वल है? अच्छा ये दोनों इक्वल थोड़ी है, क्वेश्चन में कहा है दोनों फ्रीक्वेंसी इक्वल है, तो ये अलग होगी, अलग होगी। समझ गए ना मेरी बात? हाँ, बट मुझसे इससे ये पता चल गया कि सिग्मा एफ कितना दी गिवन है। तो सबसे पहले तो अननोन फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है तो डायरेक्ट मेथड, तो टेबल बनानी पड़ेगी, जल्दी से टेबल बना लेते हैं। एक्स की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5, फ्रीक्वेंसी है 46, एक्स वाई 25, 10, 5। अब मुझे क्या बनाना है? एक्स एफ, सही है? कर दे कैलकुलेट जल्दी से, मल्टीप्लाई कितना? 46, बहुत बढ़िया। x की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई y से, 3 की मल्टीप्लाई 25 से, 4 इंटू 10, 5 इंटू 5, सही है क्या? अब मुझे क्या करना है सबका? जल्दी बताओ टोटल कितना आएगा? गलत, 200 तो इन सबका सम है जिसमें x और y इंक्लूडेड है मैडम, इंक्लूडेड है, ये सब जोड़कर मुझे 200 मिल रहे हैं। कैलकुलेट करो उन्हें, चलो 5 + 25 = 30, 30 + 10 = 86, साथ में प्लस एक्स प्लस वाई, दोबारा समझाऊं क्या? दोबारा चलो, 25 + 5 = 30, 30 + 10 = 40 + 46 = 86, प्लस एक्स प्लस वाई, समझ गए? अब जरा ध्यान से सुनो, अब है क्वेश्चन का इम्पोर्टेंट बात, देखो जरा, इन सब को ऐड किया तो ये आया, एंड क्वेश्चन में तो बताया गया है ना कि 86 प्लस एक्स प्लस वाई तो 200 के इक्वल है, सही बात है ना? इन सब का सम मुझे क्वेश्चन में गिवन था, तो मैंने इन सब को ऐड करके किसके इक्वल पुट कर लेना है 200, तो अभी 86 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो एक्स प्लस वाई किसके बराबर हो जाएगा? 200 माइनस 86 तो कितना आ जाएगा? 4911, सही है क्या? कोई दिक्कत? ठीक है, इसे हम क्या मान लेंगे? इसे आप लोग मान लोगे इक्वेशन 1, सही है? इसे हम क्या मान लेंगे? इक्वेशन। अब इक्वेशन 2 बनानी है, वो बनाएंगे हम मीन के फॉर्मूले से। अब आपका मीन का फॉर्मूला क्या है? एक्स बार इक्वल्स टू सिग्मा एक्स एफ अपॉन सिग्मा, एक्स बार कितना गिवन है? 1.46 equals to, अब क्या चाहिए? सिग्मा एक्स एफ, तो अब चलो भाई इन्हें भी ऐड कर लेते हैं, ये तो जीरो हटाओ, ये वेरिएबल है, इन दोनों को ऐड कर दो, 5 + 5 = 10, 7 + 9 = 10, 40 कितना आ जाएगा? 140 प्लस एक्स प्लस 2y, ठीक है? तो इसकी जगह पे पुट कर दो 140 प्लस एक्स प्लस 2y अपॉन, क्या लिखूं अपॉन में? 86 प्लस एक्स प्लस वाई, अगर मैं वो पुट करूंगी ना तो इससे मेरी इक्वेशन थोड़ी सी लेंथी बन जाएगी, तो बेटर नहीं है मैं 200 लिख लूं? सिग्मा एफ रखना है ना, सिग्मा एफ तो क्वेश्चन में गिवन है, तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे? 200।
अब जल्दी से मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई कर रही हो बिना डेसिमल हटाए, क्योंकि पॉइंट दो जीरो से हट जाएंगे। 2 6 12, 2 4 8 1 9 एंड 2 1 2, सही है क्या? ठीक है, पक्का? चलो, इक्वल में 140 प्लस एक्स प्लस 2y। अब इन्हें मैं इधर लेकर आ जाती हूँ माइनस, तो 292 में से 140 को माइनस करूंगी। 251 इक्वल्स टू एक्स प्लस 2y, ये बन गई मेरी इक्वेशन नंबर 2। समझ आ गया? अब आपके पास इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, दो वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन है, कैसे सॉल्व करोगे? एलिमिनेशन, चाहो सब्स्टिट्यूशन चाहो एलिमिनेशन। हम लोग एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। मेरी फर्स्ट इक्वेशन थी x प्लस वाई इक्वल्स टू 114 एंड हाँ बेटा, किसी भी चैप्टर का यूज हो सकता है। 152 इक्वल्स टू x प्लस 2y, ठीक है, दिख रहा है क्लियरली x x है तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। सिंपल, दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे? माइनस, x x कैंसिल हो जाएगा, y में से 2y माइनस करेंगे तो माइनस y, 152 में से 114 को माइनस करेंगे, इट बिकम 8, 3 माइनस में, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी? 38, ठीक है, y की वैल्यू कितनी आ गई? 38, किसी को कोई डाउट? अब इस y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर लो। इक्वेशन 1 क्या है? x प्लस वाई इक्वल्स टू 114, y की वैल्यू 38 इक्वल्स टू 114, तो x की वैल्यू 114 माइनस 38, तो इसमें से 38 को माइनस कर दो, ठीक है, तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज 76। तो हमारे पास x की वैल्यू भी मिल गई 76। अब बताओ, समझ आ गया? किसी को कोई दिक्कत? पक्का? तो देखो, आप लोगों ने आज जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं थे तो बहुत इजी ना, बस मल्टीप्लाई करनी है, प्लस करना है और डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये आज हम लोगों ने जो मेथड सीखा है वो कौन सा मेथड था? डायरेक्ट मेथड। इस मेथड को तब यूज करेंगे जब कैलकुलेशन सिंपल हो, छोटी छोटी मल्टीप्लाई हो, ठीक है ना, या फिर जब हमें मिसिंग फ्रिक्वेंसी गिवन हो। तो आज हम लोगों ने अपने डायरेक्ट मेथड को कंप्लीट कर लिया, बाकी के बचे दो मेथड जो करेंगे कल की क्लास में। एंड आज हम लोगों ने जो लास्ट के दो क्वेश्चंस किए ना, एक ये वाला क्वेश्चन जिसमें दो मिसिंग फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी होती है और एक वो क्वेश्चन जिसमें एक मिसिंग फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी होती है, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब आप लोग अपनी एक्सरसाइज कर सकते हो, तो एक्सरसाइज करना और जो भी डाउट होंगे वो मुझसे पूछ लेना, ठीक। आज के लिए इतना, थैंक यू।